हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस तरह के गरम मोजे बनाना बताएंगे। तो ये देखिए, ये कितने परफेक्ट बन के रेडी हुए हैं। यही मोजे बनाना मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी पैर के बनाना है उस पैर का हमें नाप ले लेना है लंबाई में। तो यहाँ पर देखिए, लंबाई जो इसकी आई है वो 9.5 इंच आई है। और इसके बाद इसकी हमें गोलाई नाप लेनी है। तो गोलाई को हमें यहाँ से इस तरह से नापना है। तो इसकी जो गोलाई है वो 8 इंच आई है। तो अब इसी नाप से हमें कपड़ा कट कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमने कपड़ा कट कर लिया है। और कपड़े की जो हमने लंबाई रखी है वो रखी है 11 इंच। आपके पैर की जितनी भी लंबाई आती है उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करके ले लेना है। और इसके बाद जो हमने गोलाई में लिया है वो लिया है 9 इंच, 8 इंच था और गोलाई, और 1 इंच हमने गोलाई में प्लस करके लिया है। तो इस तरह से हमने 2 स्क्वायर पीस कट करके ले लिए हैं। और अब इसके बाद इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और जो खुला वाला साइड है उस साइड से हमें इसका सेंटर निकालना है। तो इस तरह से हमने ये इंची टेप से निकाला है। आप चाहें तो कपड़े को भी फोल्ड करके निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने निकाला। अब इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच पर अंदर की साइड में निशान लगाएंगे, और इस निशान को हम इस तरह से सीधा करके ये बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से ये बॉक्स बना लेना है। और अब इसके बाद यहाँ पे हम ऐसे गोलाई में शेप दे देंगे इस तरह से, और इसी निशान से हमें इसको कट कर देना है। तो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। तो ये देखिए, कुछ अभी ये इस तरह से कट के रेडी हुआ है। इसी तरह से हमने ये देखिए, ये एक अस्तर कट करके ले लिया है जो कपड़ा हम नीचे की साइड में लगाएंगे। तो इसको भी हम इसी के बराबर से ही ऐसे ही कट करके ले लेंगे। तो देखिए, इसको हम इसके ऊपर ऐसे ही बिछा के रख लेंगे, और ये जो दोनों साइड है यहाँ से हम इसके कपड़े को कट कर देंगे। इसी तरह से हमें जो दूसरा वाला पीस है उसको भी रेडी कर लेना है। और अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसके किनारी पे दोनों साइड में सिलाई लगानी है। तो चलिए हम बताते हैं कि इसको हम कैसे सिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने ये देखिए दोनों कपड़े इस तरह से बराबर से रख लिए हैं। और अब इसके बाद ये जो दोनों साइड के ये किनारे हैं इनको हमें सिल लेना है। तो यहाँ से हम इस तरह से दोनों साइड के किनारों को हम सिल के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, इसको हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो एक साइड हमने सिल लिया, इसी तरह से हम हमारा जो दूसरा साइड है इसको भी ऐसे ही सिल लेंगे। और इसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हमें इसको सीधा कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सीधा करके ले लिया। और अब इसके बाद यहाँ पे हमें लास्टिक भी डालनी है। तो इसके लिए ये देखिए, हमने ये लास्टिक ले लिया है, और ये जितना राउंड हमने इसको कट किया है इसमें हमें 1.5 इंच छोटी लास्टिक डालनी है। तो इस तरह से हमने ये 1.5 इंच छोटी लास्टिक लिया है, और इसको हमें यहाँ से नाप के देख लेना है। जितनी भी चौड़ी लास्टिक है उसी हिसाब से हमें यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है, और इसी निशान पे हमें सिलाई लगानी है। तो हम इस तरह से इसी के बराबर से हम निशान लगा लेंगे, और इस निशान पे ही हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दूसरा साइड भी सिल के रेडी करेंगे। तो चलिए, इसको हम सिल के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सिला है। इसी तरह से हम दूसरा वाला साइड भी सिल लेंगे। तो ये हमने दोनों साइड सिल के रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद ये जो हमने लास्टिक ली थी इसको हमें इसमें डालना है। तो इस तरह से हम सेफ्टी पिन की मदद से इसमें हमें इसको डाल लेना है। तो यहाँ से हम इसको डाल लेते हैं, और यहाँ पर पूरी अंदर को लास्टिक नहीं करनी है। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर हमें इस तरह से इसके बराबर ही रखना है, और यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है ताकि ये जो लास्टिक है ये दूसरे साइड में ना जाए। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको पकड़ के रखेंगे, और यहाँ पे हम लगा लेंगे थोड़ी सी सिलाई। आप यहाँ पे पिंस भी लगा के ले सकते हैं या फिर सिलाई लगा सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसको दूसरी साइड से निकाल लेंगे, और जिस तरह से हम पहले साइड में लगाया है उसी तरह से हमें इधर दूसरे साइड में भी इसमें सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें ये लास्टिक डाल के लिया है। इसी तरह से हमारा जो दूसरा साइड है उसमें हम ये दूसरी वाली लास्टिक भी डाल लेंगे। इसको भी हमने 1.5 इंच छोटी ही लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों साइड में लास्टिक डाल के इसको रेडी किया। अब इसके बाद इसको हम
इस तरह से उल्टी साइड में फोल्ड करके ऐसे बराबर से रखेंगे, ये देखिए। और ये जो हमारा एड़ी वाला साइड होता है, यहाँ पे हमें इस तरह से 1 इंच से ऊपर की साइड में इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे, और ये निशान है ये 1 इंच पे हम लगा रहे हैं, और यहाँ से ही हम इसमें गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमें इसमें गोलाई दे देनी है 1 इंच से। अगर जो आप गोलाई देंगे ना, तो ये जो एड़ी होती है इसका से बहुत ही अच्छा बैठता है। और यहाँ से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा लिया, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे, ये देखिए। और अब इसके बाद ये जो खुला साइड है ऊपर के साइड वाला, इसको भी हम बराबर से मिलाते हुए रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर की साइड हमें सीधी सिलाई लगा के इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे भी हम इसको जोड़ के ले लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको जोड़ के ले लिया है, केवल आगे की साइड खुला हुआ है, बाकी हमने पूरा जोड़ लिया है। तो इसी तरह से हमने ये देखिए ये जो दूसरा वाला पीस था इसको भी बना के रेडी कर लिया है। और अब इसको हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके रखना है, इस तरह से। ये जो सिलाई है वो हमारी सेंटर में होनी चाहिए। इसी तरह से दोनों को हम फोल्ड करके रखेंगे, और जो हमारे दोनों पैर होते हैं उनको हम इस तरह से रख के यहाँ पे हम इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों में शेप ड्रॉ कर लिया है, और अब हमें इसी शेप पे ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमें अंगूठे वाले बनाने हैं, तो हमने यहाँ पे अंगूठे भी शेप में ड्रॉ कर लिए हैं। अगर जो आपको अंगूठे वाले नहीं बनाने हैं तो आप बराबर से भी इस पर निशान लगा सकते हैं। और अब इसके बाद हमें हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है इसको हम कट कर देंगे, और यहाँ पे हमें अंगूठे का शेप भी कट कर लेना है। इसी तरह से हम दूसरा वाला जो पीस है हमारा उसको भी बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने दूसरा वाला भी बना के रेडी कर लिया है। और अब इसके बाद हम आपको सीधा करके दिखाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये जो मोजा है ये हमारा बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी सीधा कर लेंगे, और मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इनको पहने हैं, तो इनका जो शेप है एकदम परफेक्ट आया है। ये देखिए इसमें जो इलास्टिक डाली थी उससे भी बहुत अच्छा शेप आ जाता है। तो अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।